अंगरक्षक बॉडीगार्ड, 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 अंगरक्षक प्लेट वापस लो जोल जोल, मैंने कहा अपना प्लेट वापस लो। जो इंसान दूसरों का निवाला छीनता है, मैं उससे उसका भूख छीन लेता हूं। ये बात याद रखना, याद रखना ये बात। तेरा जान ले लूंगा, I'm gonna kill you। इस कुत्ते से कह दीजिए कि कुत्तों से ही खेले, किसी शेर के दुम पर पैर मत रखें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा अंजाम अच्छा। मगर हुआ क्या, क्या हुआ? मैं बताता हूँ सर, ये रोज मेरा खाना छीन के खा जाता है। आज रवि भैया ने बचाने की कोशिश की,
तो ये बातें। चला जाता हूँ धड़कते दिल के तराने लिए, किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। बाके कैसा है तू? अरे तू इस तरह हाफ क्यों रहा? तू इस तरह भाग क्यों रहा? तेरे पीछे पागल कुत्ते भी नहीं, क्या हुआ तुझे? क्या बता भैया, हुजरानी है ना? क्या कहा? सॉरी भैया, हुजरानी भाभी है ना, वो अपुन का 3 डॉलर जुए में धोखे से लूट ली। जुआ? हाँ। चीटिंग करता है, चीटिंग। सॉरी दीदी। कौन? इट्टू पुरी लोग। मेरे को एक एजेंट काम याद आ गया। आज खेल बंद, हम कल खेलेंगे। लेकिन हमारे पैसे कल तक अपुन के पास रहेगा। नहीं नहीं, मेरे को मेरे पैसे चाहिए। जिसको पैसे लेना है वो टीम से अलग हो जाए। मुझे टीम में ही रहना है। टैक्स लगा गुड बॉय। भैया जुआ हो रहा है। क्या होगा, मर गए? अरे फंस गए। मुझे बुरी जोर से नंबर वन आया। हाँ, इसको नंबर वन आ गया। अरे बाप रे, मैं चला। कभी नंबर दो आया। हाँ, अच्छा, इस हकले को भी आ गया नंबर दो। मैं चला। जल्दी जा। और इसको दोनों सारे सब के सब भानु बना कर टंकी के औलाद। भैया तुम कब आए? जब तुम पैदा हो रहे थे। शैतान की औलाद। तुम कब आए? जवाब दे रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। चाय की कोई जरूरत नहीं, मैं खा पी कर आया हूँ। पहले बताओ ये सब क्या है? क्या है? टेबल है, चेयर है। शट अप, कल से जुआ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए जुआ यहाँ पर। अरे बाके, तेरे को नंबर वन या नंबर दो नहीं आता क्या? आते आते भैया, अगर वो मेरा 3 डॉलर मिल जाए तो। हाँ अच्छी बात, तो ये ले अपना 3 डॉलर। किधर गया? ये ले अपना 3 डॉलर और 10 3 13 हो जा। ये 10 3 13 क्या होता है? 9 2 11 का भाई। ऐसा क्या दिखता है मैन? हाय, इतने दिनों बाद मिला हूँ। सोचता हूँ तुम्हारे खूबसूरत से चेहरा अपनी आंखों के कैमरे में कैद कर लूँ। चलो हटो, देखो ना बड़े बेशरम है ये। अल्लाह क्या बात है। रानी, रानी कौन है? कौन है? रानी का बाप। अरे बाप रे, ये कहाँ से मिल गया? अरे भाग ले, भाग ले। वेट। हाउ मिस्टर व्हाट? हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी।
Come on, Hoban, how are you, man? This, you look very fresh and fit. Come on, sunny boy, how are you? Fine, fine. You better be better. Oh, right. This one, okay, come. Come on, sit down. Oh, Rabi, aap khushi mein hum celebrate karte hain. Rabi, pani ke saath loge ki soda ke saath? Haan? Arre ji, pani ke saath loge ki soda loge? Main? Nahin, nahin, mere ko nahin chahiye. Arre, mujhe maloom hai, tu nahin peeta. Lekin, aaj mere saath, mere dil rakhne ke liye, kyun nahin peeta? देख बात, तू मेरे को मरवाएगा। अरे बाबा, ये चीज मेरे को हजम नहीं हो। अरे बाबा, ले कुछ नहीं होगा, सुरुक जा, देखता क्या है। My father in law, you are great, you are great. लेकिन ये बात है, देख अपन शराब नहीं पी रहा है, शराब अच्छी चीज नहीं है, ये शराब पीने से अच्छा भेजा खराब हो जाता है। ये पांचवी बार मैं सुन चुका। पांचवी बार? लेकिन अपन ने तो पहली बार बोला है। ये बात मेरे को लग रहा है मेरे को चढ़ गई, अब मैं जाऊं यार। लेकिन तू रानी से मत बोलना कि अपुन ने शराब पी। मैं चला। अपुन चला। तेरे को कितनी बार कहा है कि अपना ना घर छोड़ के आया अपुन दिखता है। हेलो हाउ आर यू रवि, तुम्हारा फोन। तुम मेरे जगह पर थे, मेरा फोन है सर। चल रहा। गुड इवनिंग सर। जी हाँ, बस मजे में हूँ। हाँ कुछ खास नहीं है। ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊँगा। ओके बाय, गुड नाइट। हाँ मेरा सेट था। क्या बोला? कल ड्यूटी रिज्यूम करने को बोला है। लेकिन तुमको तो परसों जाना था। परसों तो जाना था, लेकिन उसको किसी जरूरी काम से एक दूसरे शहर में जाना है, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। अपन तुमको नहीं जाने देगा। समझने की कोशिश करो रानी, समझने की कोशिश करो। देखो मेरा जाना बहुत जरूरी है। सुनो, अगली बार जब मैं आऊँगा तो 2 महीने की छुट्टी लेकर आऊँगा और सारा समय तुम्हारे साथ बिता दूंगा। अभी इस तरह बचा कुचा समय इसी तरह मुंह लटका कर बिताओगे क्या? जरा हंसो, कमाए, मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ ना, दैट्स बेटर। तुम्हारी छुट्टियां कैसे बीती रवि? बस मजे में थी सर। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें 2 दिन पहले बुला लिया। क्या करता, जरूरी था। कोई बात नहीं सर, मेरा 2 दिन आपके जरूरत से बढ़कर नहीं है। मुझे गर्व है कि तुम जैसा अंगरक्षक मुझे मिला, जो मालिक के जरूरत को पहली अहमियत देता है। ये तो अपना अपना विचार है सर। क्या बात है रवि, क्या हुआ? लगता है रास्ते पे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सर। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। दरवाजा बंद कर दीजिए सर। Ah!
सर, आप ठीक तो हैं? हाँ रवि, शुक्र है कि सिर्फ बाजू में ही लगा है। ठीक ठीक सर, मैं पट्टी कर देता हूँ। रमन जल्दी आओ, रामू काका। जी साहब, जी साहब। रमन जी साहब, सर को अंदर ले जाओ, ये जख्मी हो गए हैं, फौरन इसे अंदर ले जाओ। ये सब क्या हो गया भाई साहब, ये सब कैसे हुआ, किसने किया ये सब? घबराने की कोई बात नहीं नागपाल, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। इतना ढेर सारा खून बह रहा है और आप कह रहे हैं छोटा सा जख्म है? रामू, दरबान, सबको फौरन अंदर ले जाओ और डॉक्टर को फोन करो, हरिया। अरे वाह, कैसा रक्षक है तू रे, अपने मालिक की हिफाजत भी नहीं कर सकते। ठीक कहते हैं कि अपनी जान के लाले पड़ने पर सभी अपनी जान बच। बस करो नागपाल, बस करो, शुक्र करो कि मैं सिर्फ जख्मी हूँ, अगर ये न होते तो मैं परलोक में होता आज। ठीक है भाई साहब, आप अंदर जाइए, आप कम बोलिए, आपको आराम की सख्त जरूरत रहे, अंदर जाइए प्लीज। लाइए ये मुझे दे दीजिए और जाकर जरा गाड़ी ठीक से पार्क करके आइए। दिनू काका तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। ये वाला, ये दवाई बहुत कड़वी है रवि। देखो अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते हैं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, पी जाओ। ये अच्छा, ला मेरे बाप, मैं पी लेता हूँ। दैट्स बेटा, अपने भाई की हरकतों से बहुत शर्मिंदा हूँ, उस बेवकूफ को तो अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं। कोई बात नहीं सर, जब तक आपके प्यार का हाथ मेरे सर पर है मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं उसके हर एक खता को माफ कर सकता हूँ। शाबाश बेटे, तेरे इन बातों से तो मेरा सारा दर्द दूर हो जाता है। अच्छा बेटी जा, तो जा आराम कर। लेकिन सर आपको इस हालत में छोड़कर मैं कैसे? मेरे फिक्र मत कर, इतने नौकर चाकर जो है ना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इतला कर दूंगा। जा तू आराम कर, तुझे मेरी रक्षा करना है ना, तुझे भी आराम करनी है, जा। लेकिन जरूरत पड़ी तो इतला जरूर करना। हाँ के? हाँ करूंगा बाबा, करूंगा, जा तू आराम कर, जा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो। हेलो पापा, मैं ममता बोल रही हूँ। अरे ममता बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं, अंकल कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटी, अंकल भी ठीक है। नागपाल आओ आओ बैठो। ममता बेटी आती क्या? हाँ वो आज रात के फ्लाइट से आ रही है। आज आ रही है अचानक? नवल भी साथ आ रहा है, कह रही थी नवल को अचानक छुट्टी मिल गई, बस आने का प्रोग्राम बन गई। अब रवि को फोन करके बताना पड़ेगा। आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं रवि को फोन कर दूंगा, आप आराम कीजिए। अच्छा ममता का एक तस्वीर भी रवि को दे देना। जी भाई साहब। मैं तो थक गई। अरे मैं भी तो थक गया हूँ, अब तो ससुराल में जाकर आराम करूंगा। सचो मत, अभी भी काफी फासला है। वाह, होने वाले ससुराल वालों ने क्या बढ़िया स्वागत किया है। वह तो ठीक था कि आखिरी टैक्सी मिल गई, नहीं तो आज अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि डैडी ने कार क्यों नहीं भेजी। तुमने उसे सही समय तो बताया था ना? हाँ हाँ, मैंने उसे ठीक ठीक समय बतलाया था। खैर कोई अड़चन आ गई होगी। Thank you.
हेलो, ओह गुड इवनिंग सर। हाँ 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 क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब लगता है किसी ने गाड़ी ब्लॉक कर दी। ये क्या कर रहे हो? दिलावर लड़की का पकड़ो, भाग ना पाए। आप अंदर नहीं जा सकती। हटा, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। क्या बात है पांडे? सर ये मैडम दोस्ती अंदर जा रही है। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ जल्दी चलिए, किसी की जान खतरे में है। देखिए मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी किसी की जान खतरे में, और मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब आप जानते नहीं कि मैं सर सुरेंद्र पाल जी की बेटी हूँ। क्या? मेरे मंगेतर की जान खतरे में है, मेरे साथ जल्दी चलिए प्लीज। शहर की सबसे बड़ी रईस सर सुरेंद्र पाल जी की बेटी हो तुम? जी हाँ। अजीब इत्तेफाक है, जिस शख्स की जान मैं बचाने जा रहा हूँ वो तो सिर्फ सुरेंद्र पाल ही है। क्या? बीबी किसी ने फोन किया और सिर्फ इतना ही बताया कि आपके पिताजी की जान खतरे में है। Oh my God! इंस्पेक्टर गोखले और सामान को लेकर बाहर जीप में आओ, जल्दी कम ऑन। ओके। माजरा क्या है? सारी कोठियां अंधेरे में, सारे नौकर कहां चले गए? रामू, रामू काका, दरबान। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया सर? किसने किया? ओह नो सर। डोंट मूव। इंस्पेक्टर साहब, मेरे सर का किसी ने खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब इनका खून कर दिया किसी ने। मिलिट्री ऑफिसर रवि मल्होत्रा और खूनी? भक्त इंस्पेक्टर, मैंने खून नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सर के सिरे से चाकू बाहर निकाली। वार करने वाला कोई और है इंस्पेक्टर, कोई और है वार करने वाला। सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि खून तुम नहीं किया है। देखिए इंस्पेक्टर,
आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। सॉरी माय फ्रेंड, यू आर अंडर अरेस्ट। रोक ले, अरेस्ट हिम। तू फंस गया रे, फंस गया। मेरे को मालूम तू बेगुनाह, मगर अब क्या तू फंस गया। तुमको कैसे मालूम मैं बेगुनाह हूँ? अब वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया। तुम कैसे जानते मैं बेगुनाह हूँ? वो तो मैंने वैसे ही बोला था। तू बहुत कुछ जानता है गोखले, तू बहुत कुछ जानता है। गोखले से जबान चलाता है। जंजीर की एक कड़ी दे दी गोखले, तुझे हर एक सवाल का जवाब मेरा देना होगा गोखले। तू बहुत कुछ जानता है। जब तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ, इसका मतलब तू जानता होगा कि असली कातिल कौन है गोखले। गोखले से जबान चलाता है। तूने दे दी गोखले, तू मेरा इंतजार करना गोखले, बाहर आने तक मेरा इंतजार करना। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे हर एक सवाल का जवाब तुझे देना होगा, तुझे देना होगा गोखले, देना होगा। इंस्पेक्टर गोखले, कम टू माय ऑफिस, कम ऑन इमीडिएटली। क्या तुमने कैदी रवि माधोरा के साथ कोई जाति की, उसे पीटा? सर, उसने मुझे मजबूर किया था सर। शट अप गोखले। अरे शुक्र करो उसका माथा नहीं ठुनका, वरना तुम तो उसके एक ही फुनकार से तिनके की तरह उड़ जाते। सर, आप तो एक कैदी की तरफदारी कर रहे हैं सर। वो एक कैदी बाद में, इससे पहले वो एक देशभक्त है। यस, अ टॉप मिलिट्री ऑफिसर फ्रॉम द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। मिलिट्री ऑफिसर? वो अकेला ही एक मिलिट्री फोर्स है। एंड नाउ आई वॉन्ट यू फॉर द लास्ट टाइम, तुम उससे दूर ही रहोगे तो अच्छा होगा। ओके? यस सर। नाउ यू मे गो नाउ। क्यों री, हो गई दिल को तसल्ली? मार ही डाला मेरे भाई को। मैंने खून नहीं किया नागपाल जी, मैंने खून नहीं किया। अरे जा, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी सीना जोरी करता है। जिस थाली में खाई उसी थाली में छेद कर दी, तुझे तो फांसी हो जानी चाहिए। फांसी? फांसी? फांसी तो इसके लिए मामूली सजा होगी। रानी, और यहाँ सेठ के साथ? इसे तो पल पल की मौत होनी चाहिए। रानी, क्या औरों की तरह तुम भी मुझे सर का कातिल समझती हो? हाँ बोलो रानी, बोलो, क्या तुम भी मुझे कातिल समझती हो? हाँ? तुम्हारे हर सवाल का एक ही जवाब है मेरे पास। सेठ नागपाल स्पीकिंग। क्या कहा? तुम्हारी पुलिस ने उसे सही जगह पर ढूंढा ना? कोशिश जारी रहनी चाहिए इंस्पेक्टर, वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो सेठ सुरेंद्र पाल चौधरी का होने वाला दामाद है। अपनी पूरी पुलिस लगा दीजिए, नवल मिलना ही चाहिए। ठीक है, अपनी कोशिश जारी रखो इंस्पेक्टर। ये वाला काफी अच्छा लगता है मुझे। वाह, लुक्स नाइस, आप पर यह हार बहुत जज रहा है। ओह थैंक यू, ये हार मुझे चाहिए। ये रहा मेरा चार्ज कार्ड, आप इसे पैक करके रखो, मैं शॉपिंग करके आती हूँ। ओके श्योर। ओके थैंक्स। आप जल्दी वापस आ गई? सुनिए, मैं आपसे ही कह रही हूँ। क्या आप उन? जी हाँ आप। अरे वाह, इतनी जल्दी खरीद ली और पहन भी ली। क्या ये कपड़े? अभी आप सलवार कमीज में थी। सलवार कमीज में? जी 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 हाँ, अभी बाजू वाले दुकान से खरीदी ना और पहन ली।
जी हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। लीजिए यहाँ पर साइन कर दीजिए, साइन कर दीजिए यहाँ पर, लीजिए लीजिए साइन कर दीजिए। ये रहा आपका डॉक्यूमेंट, आपका कार्ड और आपका पेपर, लीजिए लीजिए लीजिए। मैं जाऊँ? जी हाँ, मैं आपका अकाउंट पर चार्ज कर दूंगी। बाय बाय। ओके, सी यू। एक्सक्यूज मी, आप दोबारा सवाल कर इसमें? क्या मतलब, मैं तो सुबह से इन्हीं कपड़ों में हूँ। और मैंने आपको हार वाला पैकेट और आपका कार्ड दिया। क्या? Marvelous. What a beautiful necklace. Wow. क्या खिलता है मैन, इसमें तो आपको सचमुच कराने लगता है। ममता चौधरी, लगता है ये नेकलेस कोई ममता चौधरी का है, ये अपुन का नहीं है, इसे वापस कर देना चाहिए। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? अभी आप ऊपर थी, इतना जल्दी नीचे? क्यों रे, ऐसे आंखें फाड़ पड़ के क्या देखता है? कभी लड़की नहीं देखी क्या? पूछा ना, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? मैडम, आप खुद के बारे में खुद से पूछ रही है? देखिए मैडम, मेरे को किचन में बहुत काम है, मैं चला। दिनू काका, ये सब कहाँ चले गए? दूसरी आवाज। जी मालकिन। अपुन रानी, मैं ममता। अजीब इत्तेफाक है, हमारी शक्लें। वही तो अपुन सोचता है, हूबहू हम शक्ल। कहाँ रहती हो तुम? जी अपुन जयपुर विलेज में रहता है। इस पेपर पे आपका नाम लिखा था, सोचा आपको लौटा दूं। ये अपुन ने नहीं लिया, ये तो सेल्स गर्ल ने जबरदस्ती मेरे को थमा दिया। टिकट खोली नहीं, देखा नहीं, इसमें क्या है? देखा, हार है इसमें, बहुत कीमती हार। तुम्हारा मन नहीं किया कि इसे रख ले? ममता जी, अपन लोग जेब से गरीब जरूर है लेकिन ईमान से धनी, और अपन को जो खुशी आपसे मिलकर मिली है ना, शायद इस पैकेट रख लेने से नहीं मिलता। अपन को तो ऐसा लगता है जैसे अपुन अपने आप से बातें करता है। मुझे भी ऐसा महसूस होता है, मुझे तो लगता है कि मैं अपने आप को आईने में देख रही हूँ। तुमने अपनी ईमानदारी दिखाकर यह साबित कर दी कि मेरी जैसी सूरत धरने वाली मेरा जैसा सीरत भी धरती है। ये हीरो का हार तुम मेरी तरफ से बेहतर तोहफा समझ के रख लो। नहीं ममता जी, अपुन को यह हार नहीं चाहिए, अगर कुछ देना है तो एक अधिकार दीजिए। क्या? कि अपुन आपको दीदी कह के बुला सके। मेरी बहन, आज से तुम्हारा दुख मेरा दुख है। अगर अपुन का दुख
अपना दुख समझती हो ना, तो अपन का एक काम करो, अपन का मंगेतर इसी शहर में किसी सेठ सुरेंद्र पाल के यहाँ नौकरी करता है। क्या? सेठ सुरेंद्र पाल का ड्राइवर? सेठ सुरेंद्र पाल मेरे पिता थे। आपके पिता थे? हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे मंगेतर ने उसका खून कर दिया। क्या? नहीं, रवि ऐसा नहीं कर सकता, वो अपने सेठ का खून नहीं कर सकता। इस वक्त वो कहाँ है? जेल में है। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया और अपन को मालूम ही नहीं, उसे खून करते हुए देखा? नहीं, तो खूनी हो ही नहीं सकता, अपन रवि को अच्छी तरह से जानता है। नानी चिंता मत करो, जो कुछ तुमने मुझे बतलाया इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। लगता है वह सब किसी की साजिश थी और तुम्हारा रवि इस साजिश में फंस गया। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, अपन को रवि मल्होत्रा से मिलना है। तुम ही पट्टे रहो, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। क्यों दोबारा थप्पड़ मारने आई क्या? अरे रानी क्या बात है? रानी क्या हुआ? इतना सब कुछ हो गया और अब उनको कुछ मालूम ही नहीं। क्या कहती हो? उस दिन तो तुम सेठ नागपाल के साथ यहाँ आई थी। अब उन तुमको सब कुछ बता देगा, पहले ये बताओ ये सब सच है क्या? क्या तुम भी औरों की तरह मुझे कातिल समझती हो? बस अब उनको यकीन हो गया, लेकिन जब तुम निर्दोष है तो प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता? अगर मैं चाहूँ तो इस जेल को ताश के पत्ते की तरह बिखेर कर निकल जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरा कैप्टन मुझसे मिलने आ रहा है। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उस दिन तुम सेठ नागपाल के साथ? तुमको धोखा हुआ, जिसे तुम रानी समझा वो ममता था। क्या कहती हो तुम? क्या कहती हो तुम? अपन बोलेगा नहीं, अपन तुमको दिखाएगा एक अनहोनी। अनहोनी? दीदी दीदी अनहोनी है ना? मुझे माफ कर देना, उस वक्त मैं तुम्हें समझी नहीं थी। आई एम रियली सॉरी। नहीं मैडम, आप अनजान थी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद इससे ज्यादा भी करता। ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे समझ में काफी कुछ आ गया। मेरे डैडी इतने भले आदमी थे, उसका दुश्मन कौन हो सकता है? ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो रानी, तुम भी ध्यान से सुन लो, तुम दोनों की जाने खतरे में है। कातिल जो भी है, तुम्हारे पिता के कत्ल करने के बाद वो तुम पर वार कर सकता है। बहुत ही सावधान, बहुत ही होशियार रहना पड़ता। लेकिन कब तक अपन लोग डर के जीता रहेगा रवि? बस सिर्फ मेरे बाहर आने तक, उसके बाद कातिल जो भी हो उसे छुपने के लिए ना ही धरती ना आकाश ना पताल नसीब होगा। ओके रवि, सेव। अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? हौसला रखो रानी, हौसला रखो, मैं बहुत जल्द छूट जाऊँ। मैडम मिलने का टाइम खत्म हो गया। ओके बाय। तूने इनकी रक्षा करने को बोल तो दी, लेकिन कहीं तेरे बाहर निकलने से पहले कातिल अपना काम कर दिया तो? इसलिए जा, निकल जा इस चार दीवारी से और असली कातिल को ढूंढ। जा, भाग जा। आइए आइए बैठिए। शुक्रिया। कहिए कैसे आना हुआ? मैं अपने खास कैदी के विषय में तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ। कौन सा खास कैदी? वही कैदी रवि मल्होत्रा। रवि मल्होत्रा? वही रवि ड्राइवर बॉडीगार्ड जिस पर अपने सेठ का हत्या करने का इल्जाम? Thank you.
देखो इस कैदी को क्या हुआ। Don't you move, officer. Ravi, तुम कानून अपने हाथ में ले रहे हो, रवि। Don't you move, officer. रवि। Don't move. रवि, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। Don't you move, officer. रवि, रुक जाओ। रवि भैया, ले लो। गाज, देखो रवि भाग रहा है। गाज, देखो ये भाग नहीं पाए। गाज। बॉडीगार्ड अंगरक्षक, बॉडीगार्ड अंगरक्षक। जी के फोन लेने गया। दिलावर और जोसेप गया। चलते आगे क्या होता है। हम लोग तुम्हारे साथ है। हाय दिलावर। हाय जोसेफ। ओ सेठ जी, कैसे हो आप? कैसे हो? बैठिए। भैरव सिंह, हमारे माल ठीक ठाक है कि नहीं? सेठ जी, भैरव सिंह के धंधे में माल कभी नकली नहीं होते। ये तो मैं फूकनी फूक के कहता हूँ, माल असली है। अच्छा ठीक, भैरव सिंह। सेठ के कत्ल के बारे में क्या जानते हो तुम? स्पीक अप। कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो अब शायद तुम्हारे दिमाग का तारा खुल गया होगा। बोलो, कत्ल के बारे में क्या जानते हो तुम? मैंने कुछ नहीं मानो। सेठ के कातिल के बारे में क्या जानते हो तुम? मैंने तो कुछ नहीं मानो। You corrupted bastard! लगता है अभी भी थोड़ी भलाई बाकी है तुम्हारी। Thank you.
एक बार बोलो दुर्गे माता की जय। ममता बेटी उठो आगे बढ़ो। बेटी हर साल तुम्हारे पिताजी ने इस शुभ कार्यों को करते थे और इस चढ़ावा को चढ़ाते थे, आज तुम्हें जाना होगा। जाओ बेटी मंदिर के परिक्रमा करो तीन बार, तो माता को अर्पण करो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। जाओ बेटी, आपकी अच्छा माता करेगी। Excuse me. इस वक्त सेठ की बेटी कहाँ पर है? वो तो मंदिर के चक्कर लगाने लगी। Oh my God! Get down, ममता, तुम्हारी जान खतरे में है। Shit. शक तो मुझे पहले भी था, लेकिन गोखले के बयान के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। जब तक खतरा टल ना जाए, तुम यही रानी के पास ही रहो, यही एक महफूज जगह है। ठीक है? हाँ ठीक है रानी। याद रहे, बेवजह बाहर जाने को नहीं, न तुम न ममता। जब तक मैं वापस ना जाऊं, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाना। ओके? लेकिन तुम किधर जाता? मैं मुझे एक मिशन पर जाना है। और हाँ ममता, जहां मैं जा रहा हूं नवल वहीं हो सकता है, और अगर वो जिंदा है तो उसे वापस मैं लाऊंगा। हाँ, उसे वापस मैं लाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं सिर्फ अपने सेठ का अंगरक्षक नहीं ना, मैं अपने सेठ के परिवार के हर एक सदस्य का अंगरक्षक हूं, और अंत तक अपनी ये ड्यूटी निभाऊंगा, अपनी ये ड्यूटी निभाऊंगा मैं। हौसला रखो दीदी, गोड़ इतना स्टोन हार्ट नहीं हो सकता, नवल आएगा, जरूर आएगा। और फिर तुम दोनों पर जो खतरे का बादल मंडरा रहा है ना, वो भी हट जा सकता है। मगर क्या करूं, दिल नहीं मानता। तेरे को कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, हौसला रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब इस तरह मुंह लटकाकर मुझे विदा करोगी क्या? चलो हम सब कमा कमा फिर इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सब? आइए आइए नागपाल जी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, फिर भी बैठ लेता हूँ। मैं पूछता हूँ, क्या कर रही है आपकी पुलिस? हाँ, क्या कर रही है? क्यों, क्या बात है सेठ जी? अरे एक खूनी, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, जेल से फरार हो गया, तुम लोग कह रहे हो क्या बात है? हाँ, एक फरार खूनी जो किसी और का भी खून कर सकता है, उसको पकड़ने तो पुलिस कर क्या रही है, क्या कर रही है? देखिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। क्या खा कोशिश कर रही है? वह खूनी मेरी भतीजी को भी मार सकता है, वह मुझे भी मार सकता है। सारे शहर का पुलिस उसके पीछे लगा दीजिए, वो गिरफ्तार होना ही चाहिए। देखिए आप हमें हमारा काम मत सिखलाइए, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। यूं कहिए तुम्हारी पुलिस नकारा और निकम्मा हो गई है, लापरवाह हो गई है। देखिए अब आपको ज्यादा ही बके जा रहे हैं। इंस्पेक्टर तमीज से बात करो, तुम जानते नहीं तुम शहर के सबसे बड़े सेठ से बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसा दो कौड़ी का अफसर मेरे घर की पैरेदारी करते हैं। मिस्टर नागपाल, इससे पहले कि मैं आपको एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेइज्जत करने के जुर्म में अंदर कर दूं, जस्ट गेट अप एंड गेट आउट। अरे चिल्लाओ मत, वैसे भी मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है, जाता हूँ मैं। चले जाओ। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी पुलिस ने उस को नहीं ढूंढ निकाला तो मैं अपने आदमियों से इसे ढूंढ निकलाऊंगा, और मेरे सजा देने का ढंग अलग है, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, और खून का बदला खून। जस्ट गेट आउट बिफोर आई अरेस्ट यू। अरे चाचा तू क्या मुझे अरेस्ट करेगा? नागपाल, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे ढूंढ निकालता है।
गार्ड अंगरक्षक बॉडी गार्ड अंगरक्षक बॉडी गार्ड अंगरक्षक बॉडी गार्ड अंगरक्षक Excuse me, sir. Inspector साहब आपको बुला रही है. Hello, Captain. Hi. आइए बैठिए. इंस्पेक्टर खुराना के जरिए आपके और आपके अफसर रवि मल्होत्रा के बारे में काफी सुन चुका हूँ मैं. I see. मगर खुराना इस वक्त कहाँ है? वो अपने एनुअल लीव पर हैं. Oh, I see. हाँ तो रवि के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल तो फरार ही है, मगर तलाश जारी है. Oh no. He should have waited for me. अगर रवि का पता चले तो मुझे इस पते पर कॉन्टेक्ट कर देना. ठीक है, खुराना आपको कॉन्टेक्ट कर लेगा. ओके, सी यू देन. सी यू कैप्टन. जी कहिए. मिस्टर नागपाल. जी हाँ, मैं ही हूँ, फरमाइए. मैं कैप्टन प्रताप सिंह हूँ और आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि आप रवि का पीछा छोड़ दें, क्योंकि वो असली कातिल के पीछे निकल पड़ा है और बहुत ही जल्दी उसे ढूंढ भी निकालेगा. रवि मेरे भाई का कातिल है और अगर आपका कानून उसे नहीं पकड़ सका तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं. तो फिर आपने रवि को पहचाना ही नहीं. लेकिन मैंने आपको पहचान लिया. आप चाहते हैं कि मैं आपके अफसर की जान बख्श दूं? ये मिलिट्री वाले कब से इतना कमजोर हो गए? नागपाल, कौन कितना कमजोर हो गया है तो वक्त ही बताएगा. फिलहाल तुम्हारे गुंडों के लिए और तुम्हारे लिए रवि अकेला ही काफी है. बस करो कैप्टन, बस करो. इतनी तारीफ अच्छी नहीं. यो, यू डोंट नो रवि, ही इज अ नास्टी सोल्जर. अगर उसने कुछ ठान लिए तो कर ही रहेगा. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं रवि को बचाने के लिए नहीं, मैं तुमको और तुम्हारे गुंडों को रवि से बचाने के लिए यहाँ आया हूँ. खैर, समझाना मेरा फर्ज था. मानना या नहीं मानना तुम्हारा काम. अब अंजाम का इंतजार करो नागपाल, एंड गुड बाय. चीफ, वन गाड़िया, ऐसे नहीं सीधे. ओह नो, इज डेड. चीफ, अनदर वन या. He's dead too.
stealing all my goods. There must be somebody around. Yeah, check the room. Chief! 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 क्या हुआ? टैंक नंबर 3 के आगे एक गार्ड मरा पड़ा हुआ है और एक रस्सी बंधा हुआ है। I see. वो कैंप की ओर जा रहा है। कौन चीफ? There is one trespass in the jungle. Go and look for him. He's killing all our guards. Go, hurry up. Bodyguard, Angarakshak. Bodyguard, Angarakshak. अरे ये तो आगे ऐसा आ रही है। Come on, move the car, fast. सामान क्या किडनैप हो गया? हाँ, क्या नाम बताया? रानी और ममता।
ये तो रवि मल्होत्रा के चहेते हैं। कहां पर हुआ ये किडनैप? एक मिनट, पता बताओ। इसका मतलब है रानी मां भी और ममता मेम साहब इसी बंगले में है, मगर क्या करे, ये तो घर से देखो समर के क्या कर रहे हो? अंधा हो भाई, रास्ता भूल गया। यहाँ कैसे पहुंच गया? ये तेरे पीछे वाला बताएगा। कौन पीछे? अरे ये तो बेहोशी की दवा मालूम पड़ती है। बेहोशी की दवा? रख लो, अंदर काम में आएगा। कार्ड नहीं है तो फिर यह क्या करते? तुम हमारे आदमी नहीं लगते? तुमने ठीक कहा, हम तुम्हारे आदमी कैसे लग सकते? हम तो भी कुंवारे। Over. Quite trespass jungle man. He's killing our guards. Okay, boss. Message received. Over. Come on.
रवि रानी और यहाँ तुम और यहाँ तुम यहाँ कैसे पहुंची? साला कुछ गुंडा लोग अपन लोग को जबरदस्ती उठा लाया। अपन लोग? इसका मतलब ममता भी? हाँ, दीदी भी यहीं कहीं पर है। It's okay, रानी। ये सब क्या हुआ? बस थोड़ी सी खराश है रानी, we have to move fast। हमें ममता को भी ढूंढना है। ओके Captain Singh calling Red Dragon, over। Dragon receiving, over। How's your morale? Excellent। Your progress report, over। 80% complete, over। Need any backup, over। Not at present। Your location, over। Map in a drawer, over। कौन था? ओ, मेरा बॉस था, कैप्टन प्रताप सिंह। गोखले के बयान के मुताबिक नवल इसी किसी कोने में किसी तहखाने में कैद है, और अगर तहखाना है तो उसका दरवाज़ा भी इसी फर्श पर कहीं पर होना चाहिए। रानी तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। रवि रवि देखो वहाँ कोई बैठा है। कौन हो तुम? घबराओ मत, अगर तुम अपना सही सही परिचय बताओगे तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। कौन हो तुम? मेरा नाम नवल है, सुरेंद्र पाल का होने वाला दामाद हूँ मैं। न जाने कुछ गुंडों ने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है। तुम कौन? मेरा नाम रवि, मैं सेठ सुरेंद्र पाल का अंगरक्षक हूँ और तुम्हें यहाँ से रिहा करने ही आया हूँ। रवि। हाँ रानी। हाँ कमन जान खुदो, मैं तुमको थाम लूंगा। डरो मत। अच्छा ठीक है, रवि तुम चुप जाओ, लगता है कोई गार्ड आ रहा है। या लो खा लो, मुझे यहाँ नहीं खाना है। ज्यादा बकवास नहीं। ममता? ये ममता नहीं नवल, ये ममता की हमशक्ल मेरी मंगेतर रानी है। आर यू ओके? ओ माय गॉड, हूबहू ममता। और हाँ ममता भी यहीं कहीं इसी अड्डे पर है, हमें बहुत जल्द करना पड़ेगा। वी हैव टू मूव फास्ट। नवल तुम ये लो, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। ओके एंड फॉलो मी, लेकिन सावधानी से। Yeah.
अरे भैया तू अपन सोचा अपन का टिकट कट गया। अरे मगर तू यहाँ क्या कर रहा है? ममता दीदी और रानी भाभी को कुछ गुंडे उठा कर लेके आए, हम और देवू उनका पीछा किए और यहाँ पहुंचे। देवू? मगर देवू कहाँ है? ये देवू रवि भैया आ रही, डर गया था बेचारा। ओ ये ममता बिंच आपका मंगेतर। हाउ डिड यू से वी बाकी? आई एम नवल। देवू बाकी तुमने दीदी को कहीं देखा है? अरे हाँ भैया, एक आदमी ममता मैम साहब को किसी कागजात पर जबरदस्त साइन कर रहा है। क्या? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। किधर है वे? आइए मेरे पीछे। क्या हुआ बाके? ये भैया तुम आगे चलो, तेरे पीछे से बताता हूँ। बाके देवू तुम तो निश्चित हो, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना। अरे अरे तू फिर आ गया, अंधा है मैं तेरे को सच में अंधा बना दूंगा। मैं क्या आ रहा है कुत्ता सुनाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं हरगिज़ साइन नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर साइन नहीं करूंगी। अरे तुम्हारे ही कारण एक निर्दोष को मुजरिम ठहराया गया, जबकि असली मुजरिम तुम हो। तुम्हारे ही कारण मैं अनाथ हुई। अरे तुम तो आस्तीन के सबसे भी खतरनाक निकले। मैं जानती हूँ कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। लड़की मैं उतना बेवकूफ नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। मैं उन सपेरों में से नहीं हूं जो सांप को मारने के बाद उसकी लकीर छोड़ देते हैं। कौवे से मैंने सीखा है कि किसी को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देनी हो तो उसकी दुखती रग पर चोट पहुंचाओ, और तुम्हारी दुखती रग मेरे पास है। अगर तुम्हारे मंगेतर के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? क्या क्या नवल तुम्हारे पास है? कहाँ आए हो? कैसा आए हो? फिलहाल तो जिंदा है, अच्छा भला है, लेकिन जिंदे को मुर्दा करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझे? बाएं हाथ का। रवि कहीं यहाँ नागपाल तो नहीं है? ममता का चाचा? हाँ नवल, ये वही नागपाल हरामजादा है। शक तो मुझे पहले भी था, अब तो यकीन हो गया इन सारे हादसों के पीछे इसी का हाथ है। साला हरामी का। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें मंगेतर चाहिए या जायजा। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साइन चाहिए, बस सिर्फ साइन। उसके बाद तुम और तुम्हारा मंगेतर खुशी से अपना घर बसा सकते हो। लेकिन यह मत भूलो कि बगैर साइन किए तुम दोनों बच नहीं सकते। बेवकूफ लड़की, मैं इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ और तुम मेरे बातों पर ध्यान ही नहीं देती। क्या तुम्हें अपने मंगेतर की जान की परवाह भी नहीं? मिस्टर नागपाल, अब तुम अपनी जान की परवाह करो, तुम्हारे लिए अमदूत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ना समझ लड़की, नागपाल को डराती है जिसे अमदूत खुद डरता है। मेरे ही तमाम घास को देखने के बाद भी मुझे डरा रही है? अरे तेरे ये घास के तिनके तो आने वाले तूफान के झोंकों से ही उड़ जाएंगे। बदतमीज लड़की। डोंट मूव नागपाल, अपने आदमी से कह दो कि बंदूक फेंक दे वरना तुम्हारा भेजा मेज पर पड़ा नजर आएगा। कम ऑन टेल देम। रन, बंदूक फेंक दो जल्दी। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। डोंट मूव नागपाल। नवल आ जाओ, नवल
हिलने का नहीं, ला गन मेरे को दे, ला इधर देखने का नहीं। ममता जाओ नवल से मिल लो। मिस्टर रवि अब इस खिलौने को मेरे हाथ में दे दो वरना मेरा आर्मी तुम्हारी मशूका की खोपड़ी खोल देगा। कम ऑन गिव इट, कम ऑन बेबी मूव। रानी बंदर ने की जो शादी, बंदर ने की जो शादी, तो शेर ने कहा पहला घूंघट दुल्हन का उठाऊंगा जरा, घूंघट उठाया शेर ने तो लगिया मुक्का, घूंघट में थी शेरनी तो शेर गिर पड़ा। नागपाल के पीछे जाता हूँ। अम्मो वही माँ, मेरी तो हार्ट टूट गई। ओफो दीदी ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, अब इन लोगों को देखता है, तुम बैठो यहाँ पर बैठो।
अम्मी जी को। चलो नगपाल के पीछे चलते हैं। तुझे मारने से मुझे क्या मिलेगा? मैं तो इस चूजे को मार डालूंगा। कम ऑन साइन। नहीं ममता, तुम पेपर पर हरगिज साइन मत करना, वरना मैं जानता हूँ ये कमीना पेपर साइन करना होने के बाद हम दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। यो शट अप। अब क्या होगा भक्की? कुछ सोचते हैं बाकी? वो ममता और नवल कहाँ है? वो हरामजादा ममता और नवल को इस दरवाजे से अंदर ले गया है। इस दरवाजे से? ओ भैया जरा संभल के, वो गोलियां चलाता है। देखो तुम साइन करते हो या मैं इसे मार डालूं? हाँ ठहरो ना रवि, जरा संभाल के। घबरा मत रानी, मैं साइन करती हूँ। नहीं ममता, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। नहीं नवल, मैं साइन कर देती हूँ वरना ये तुम्हें मार डालेगा। Open! Don't move, Nagpal. तुम्हारा सारा खेल खत्म हो गया। तुम दोनों बाहर जाओ। Go. मुझे इस नाग का फन कुचलना है आज। बचने ना पाए, सबको अरेस्ट कर लो। बंदूक फेंक दो वरना।
हूँ बहू एक जैसी। हूँ बहू एक बिल्कुल हम शकल। रवि कहाँ है? रवि अंदर नागपाल को बुरी तरह से पीट रहा है। अंदर कहाँ? आइए मेरे साथ। यही वो पापी नापाक हाथ है जिसने मेरे पिता समान सेठ की हत्या की। इस हाथ को सही सलामत रहने का कोई अधिकार नहीं। इस हाथ को टूट जानी चाहिए साथियों। रवि यहीं अंदर है। रवि दरवाजा खोलने की कोशिश मत करिएगा सर, वरना मैं सरामजादे की खोपड़ी खोल दूंगा। तुम उसको कानून के हवाले कर दो। This is an order. आपका ऑर्डर सर आंखों पर सर, लेकिन इस बार मामला दिल का है और दिल यही कहता है कि इस हरामजादे को कुत्ते की मौत मिलनी चाहिए। कुत्ते की मौत। मुझे बचा लीजिए वरना ये मुझे जान से मार डालेगा। ममता बोल रही हूँ। रवि हमें तुम्हारी जरूरत है। रवि अंकल को छोड़ दो, कानून अपने हाथ में मत लो। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें अपने पिता समान सेठ की कसम। अंकल को छोड़ दो। क्या किया तुमने ममता? आपकी बेटी ने क्या किया? आपका कसम देकर मुझे बांध दिया। हरामजादे, देख जिस भाई की तूने हत्या की आज उसी का कसम तेरा ढाल बन गया। और न तेरी मौत तुझसे इतनी ही दूर थी जितना कि मैं। अभी से पहले कि मेरा भेजा घूम जाए मैं सारे कस्बों को तोड़ दूं। चल जा और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। जा। अब तुम्हें जिंदगी भर सलातों के पीछे ही सड़ना है। मूव, कम ऑन। स्पीड अप, तुम इधर आओ। ओह नो। अभी भी बाजी मेरे हाथों में है। सबसे पहले तो मैं तुझे मारूंगा। ओ नवल, सेठ के जायदाद का वारिस बनना चाहता था। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। सिया,
तुमसे प्यार है, मुझको तुझसे प्यार है, हम मुझको